आज आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स इस गेट पर्दे डिज़ाइन का टूटन डिज़ाइन का पार्ट, ठीक है। थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शेयर कर चुके हैं फ्रेंड्स, ये मेरे ख्याल से फोर्थ वाला पार्ट है, ठीक है। फोर्थ या थर्ड ही होगा, अभी वीडियो में आपको हम बताएंगे जब हम टाइटल डिस्क्रिप्शन में वहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हमने यहाँ ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया, वन पार्ट था। अब यहाँ पे हमें कोई फ्लावर स्टिच करना है बना करके, कोई डिज़ाइन कुछ भी, आप पम्पम फ्लावर भी स्टिच कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और देख सकते हैं ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, देखते पूरा हमने इसको बना करके कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं इस तरीके से पूरी डिज़ाइन हमने ये बना करके कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हमें इसके बीचों बीच से यहाँ से सिक्स का है ना, तो यहाँ से देखिए हमें बनाना है क्या, यहाँ से हमको झालरें बनानी है, इस टाइप की झालर यहाँ से स्टार्ट करना। चलिए फिर देख लेते हैं किस तरीके से झालर को बना करके इसको डेकोरेट करना है। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए, जब हमने यहाँ पे ये ग्रीन कलर का फ्लावर बनाया है ना, तो यहीं पे हमें पम पम फ्लावर स्टिच करने छोटे छोटे से, या फिर आप सितारे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चिपका सकते हैं, या फिर स्टिच कर मोती भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बहुत प्यारा लगेगा। जो भी आपको लगाना हो लगा लीजिएगा, फिलहाल हम बाद में दिखाएंगे आपको कि हम क्या करने वाले हैं इसके साथ। पहले हम चलिए यहाँ पे बना करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कितनी बड़ी झालर रहेगी, कितना क्या करना है, सारा कुछ हम बताएंगे इस वाले वीडियो में। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो के एंड तक चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है फ्रेंड्स, है ना, ये देखिए। सबसे पहले हम वाइट कलर का थ्रेड लेंगे जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले हम एक नॉट लगाएंगे, आप भी एक नॉट लगा लीजिएगा, जिस तरीके से लगाते हो लगा लीजिएगा। और क्रोचेट हुक हमारा वही देख सकते हैं आप लोग, हमेशा यूज़ करते हैं, चेंज करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। तो आपको हम दोनों तरह के ऊन का हम डिज़ाइन दिखाएंगे आपको, पतले वाले का भी जो टू प्लाई, या फिर टू प्लाई का भी, और फिर जो फोर प्लाई जो मोटे वाले ऊन होते हैं उनका भी, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत लोगों को पतले ऊन नहीं मिल पाते हैं और क्रोचेट हुक फिर वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट वाली वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें मोती का भी यूज़ करेंगे एंड जो मोटा वाला थिक वाला जो वूल होता है ना उसका भी यूज़ करेंगे। क्रोचेट हुक भी फिर चेंज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि टू प्लाई के वूल के लिए ही होता है ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने नॉट लगा लेना है, बीचों बीच हमने लगा लिया इस तरीके से, और यहाँ से इसको थोड़ा सा खींचते हुए जाना है और यहाँ पर बना लेना है देखिए इस तरीके से पफ। तो 1, 2, 3, 4, 5 सिक्स का भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इस तरीके से फिर धागे थोड़ा सा खींचना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6 बना लेना है, ठीक है। फिर इसको इस तरीके से नॉट लगा लेना है, फिर यहाँ से फिर 1, 2, 3, 4, 5 और फ्रेंड्स सब में हमें पम्पम फ्लावर से स्टिच करने हैं, ठीक है। तो वो तो हम बाद में फिलहाल स्टिच करेंगे, अभी तो नहीं स्टिच करना है, पहले हम जो काम कर रहे हैं देख सकते हैं आप लोग, जो हम बना रहे हैं यहाँ पे इसको बना करके पहले कंप्लीट करते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे यहाँ पे पम्प फ्लावर्स स्टिच करना है, ठीक है। ग्रीन और वाइट दोनों का यूज़ होगा, क्योंकि वाइट पर हम ग्रीन का यूज़ करेंगे और ग्रीन पर वाइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से धागे को खींचना है, धागे को थोड़ा सा ऊपर लेते हुए जाना है और फिर यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इस तरीके से फ्रेंड्स पूरा हमको ये कवर करना है। देखिए यहाँ पे 3, 3 एंड 2, 5 हो गए ना, फिर यहाँ से धागे को ऊपर करना है, खींचना है, फिर 1, 2, 3, 4, 5 बना लेना है, फिर इस तरीके से लेके आना है, फिर धागे थोड़ा सा खींचते जाना है, फिर बना लेना है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो हम 10 का भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, और मतलब 5 वन साइड 5 वन साइड 6 का भी कर सकते हैं कि 12 कर दें, ठीक है। तो 6 वन साइड एंड 6 वन साइड तो देख लेते हैं, है ना। और यहाँ भी हमें बनानी है झालरें, तो वो सब हम देखेंगे फिलहाल, अभी देख लेते हैं। इस तरीके से नीचे ही लटक के जाएगा, यहाँ से भी एक दो झालर बनानी पड़ेगी। तो देख सकते हैं 3 वन साइड है 4 तो बना लेते हैं, भी जितने भी अभी बनाने ना तो उतने बना करके आपको फिर दिखाते हैं। हमने यहाँ पर बना लिया है कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 6 वन साइड एंड 6 वन साइड बनाया हमने, ठीक है। अब यहीं पे ला करके धागे को देखिए बीचों बीच में यहाँ पे ला करके इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे एंड थ्रेड को यहाँ पे कैंची की सहायता से कट कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट करना है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ धागे को इस तरीके से खींच लेंगे, दोनों धागे जो आपको ये दिख रहे होंगे ना स्टार्टिंग वाला और ये जो एंड वाला, दोनों को इस तरीके से नॉट लगाएंगे, देख सकते हैं आप लोग। और नॉट लगाने के बाद फ्रेंड्स इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी एंड बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, और बहुत ही इजी भी बन के कंप्लीट हो जाएगा और इजीली बनाना है इसको।
तो देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको कट करेंगे थ्रेड को, है ना। ये देखिए यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम ग्रीन कलर का पॉम पॉम फ्लावर स्टिच करेंगे यहाँ बीच साइड में। देखिए 6, 3 एंड 3 दोनों साइड में यहाँ पे इसका पार्ट हाफ हो जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको स्टिच करेंगे। फिर सेम वही पैटर्न यहाँ अप्लाई करना है, यहाँ अप्लाई करना है, मतलब बीचों बीच में यहीं से हमको ये इस तरीके से पॉम पॉम फ्लावर्स बनाने हैं। तो थोड़े बहुत और बना करके फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के आप लोग। हमने देखिए कितना बना करके कंप्लीट कर लिए। झालर हमने दिखाया था आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये देखिए 13 हमने बना करके कंप्लीट किया है, ठीक है। और 13 दो इधर बनाया है, 14, 15 यानी कि इधर 15 बन गए हैं। टोटल हमने 15 बनाए हैं, बाकी जो इनकम्प्लीट इसको कंप्लीट करेंगे बाद में। यहाँ पे देखते हैं कितना इनकम्प्लीट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 फ्रेंड्स इनकम्प्लीट है, बाकी हमने कंप्लीट कर लिया, तो वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट करके आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, इतना देखिए आप, अभी इनकम्प्लीट है तो यहाँ से देखिए, ठीक है। अब यहाँ जो ग्रीन वाला फ्लावर है यहाँ पे आप चाहें तो मोती स्टिच कर सकते हैं, या फिर पॉम पॉम फ्लावर छोटे छोटे से बना करके स्टिच कर लिए, या फिर मिरर आप जो भी मतलब आपको यूज़ करना हो यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, इसी तरीके से पूरा कंप्लीट है। इस तरीके से हमने पॉम पॉम फ्लावर बना करके रखे हुए, पहले से थोड़े कम हैं, अभी एक्स्ट्रा और बनाने पड़ेंगे, बहुत कम है ये, ठीक है। फिलहाल ऐसे ही बनाएंगे, तो देख सकते हैं आप लोग इतने बड़े बना सकते हैं, इससे बड़े भी बना सकते हैं। तो हमारे पास है इसी आकार का, तो हमें इसी टाइप का ही लेना पड़ेगा, ठीक है, छोटे छोटा, क्योंकि ये वेस्ट हो जाएगा फिर, तो हम इसको यूज़फुल यूज़ में ला देंगे ना। तो ये देखिए यहाँ पर रखना है, और ये जो ग्रीन कलर वाला आप देख सकते हैं इसके बीचों बीच में इस तरीके से रखते हुए धागे को बीच में से ऐसे कट कर देना है, और यहाँ देखिए, ठीक है, 3, 3, 6 इधर और 6 इधर करके, और यहाँ पे हमको पॉम पॉम फ्लावर स्टिच कर लेने हैं सारे पॉम पॉम फ्लावर ऐसे ऐसे, देखिए ग्रीन वाले स्टिच कर लेंगे, ग्रीन और वाइट हमें वहाँ पे रखना है, तो अभी देख लेते हैं उसको भी। सारे पॉम पॉम फ्लावर्स ऐसे ही बना करके इसको हम डेकोरेट करेंगे, देखिए देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से सारे स्टिच करने हैं, ठीक है। तो हमने एक बता दिया आपको, अगर आपको बनाना हो तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से डेकोरेट करिएगा, बहुत प्यार लगेगा। अभी यहाँ भी एक दो और हमको बनानी ही झाल रही है, एक यहाँ बनेगी 6 की और एक यहाँ बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए पॉम पॉम फ्लावर सब में स्टिच करना है, बहुत ही ईजी और बहुत सिंपल है। इस तरीके से पॉम पॉम फ्लावर्स हम बना करके पहले से रखे हुए थे ना, तो आप भी अगर आपके पास रखा है एक्स्ट्रा तो ठीक है, वरना आप कट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। मैं भी एक्स्ट्रा और कट करना है और बनाना भी है, क्योंकि ये भी इतने से नहीं हो पाएगा, काफ़ी झाल रहे हैं, और सब में हमको लगाना है पॉम पॉम फ्लावर। इतने ही छोटे छोटे से फ्लावर बना लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत काफ़ी बनाया जाए। तो ये देखिए इस तरीके से नॉट लगा लिया हमने, देखिए कितना खूबसूरत लग रही है ना। और यहाँ पे है, हमने कहने का मतलब था कि जैसे कि हम यहाँ वाइट यहाँ पे लगा सकते हैं, पॉम पॉम फ्लावर यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ फ्लावर पे लगा सकते हैं इस तरीके से, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये नहीं लगाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो फिर इसको बीच में लगा सकते हैं, बीच में लगाएंगे तो ठीक है, वरना साइड में लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बीच ही में हम इस तरीके से करते धागे को, और इस तरीके से करके निकाल करके इस तरीके से देखिए, है ना। और अब इसको कल हम फाइनल इसका लुक दे देंगे, ठीक है, फाइनल बना करके इसको कंप्लीट करके आपको इसको टक करके भी हम दिखा देंगे कि कैसा इसका फाइनल लुक लग रहा है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ पे इसको हम इस तरीके से नॉट लगा देंगे और स्टिच कर देंगे, तो ये बन करके कम्प्लीट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पूरा फुल दिखाएंगे आपको डेकोरेट करके कि किस तरीके से इसको डेकोरेट करके हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से बीच में भी फ्लावर अच्छा लग रहा है वाइट कलर का, तो देखिए हमने कहा था ना ग्रीन पे वाइट का और वाइट पे ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो चलिए फिर ट्राई करिए। सबसे पहले इन दोनों थ्रेड्स को एक साथ लेंगे और नॉट लगा लेंगे, 1, 2, 3 जितना नॉट लगाना हो लगा करके धागे को कट कर देंगे। तभी हमने फिलहाल आपको एक दो का बताया है, बाकी सारा हमको इस तरीके से कट करना है। तो कट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में सारा फिनिश करके मतलब नीट एंड क्लीन करके दिखाएंगे सारा कुछ, ठीक है। तो अभी आप इतना ही देखिए, बहुत प्यारा है एंड डेकोरेट हो जाएगा। कल इस वीडियो का लास्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कल ये लास्ट हो जाएगा, बनके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक सी डिज़ाइन है फ्रेंड्स, वन पार्ट में हमने बनाई है, आप इसको 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में जैसा हो आप बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आती तो
लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।